आप सबको स्वागत है। आज हम 31 मई के ईश्वरवदन में आ पहुंचे हैं। नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है, पहले भी हो चुका है, ऐसे ही हुआ था, मैंने इसको ठीक कर दिया था। हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है, मुझे ज्ञान है इन सारी चीजों का। कोई भी अड़चन आ जाए, नो प्रॉब्लम, मेरे पास में परमपिता परमात्मा मेरा साथी है। नथिंग न्यू, इसको कहते हैं कोई नई बात नहीं है। आज हम इस नथिंग न्यू शब्द की ताकत को समझेंगे। परमात्मा पिता आज इस वरदान में कहते हैं कि नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले, बिंदी मतलब फुल स्टॉप भी होता है, और सोल कॉन्शियस मतलब आत्माभिमानी होकर के रहने का, साक्षी होकर के देखने का सारे नाटक को, अपने पार्ट को भी और के पार्ट को भी, चाहे वो घर के फैमिली मेंबर्स हों, चाहे उनका दुख का पार्ट चल रहा हो, चाहे उनका सुख का पार्ट चल रहा हो, साक्षी होकर के देखना। इसका मतलब ये नहीं कि डिटैच होकर भाग के, उनको हेल्प भी करना लेकिन साक्षी होकर के देखना। फीलिंग्स में नहीं आना, हाई ये क्या हो गया, हाई तौबा नहीं करना, इसको कहते हैं साक्षीपन। और नथिंग न्यू कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भवा, डोले माननी, हाय क्यों, अरे ऐसे नहीं, ऐसे वैसे नहीं, अरे अचल, अचल मतलब बिल्कुल ना हिलने वाले। अंगद को कैसे कहते थे, अचल अडोल कहते थे, तो हमें भी परमात्मा का अंगद बनना है। कोई भी बात होती है तो आप बच्चों को ये ज्ञान है कि नथिंग न्यू, कोई सीन आ जाता है सामने, कोई प्रॉब्लम का सीन आ जाता है, कोई अड़चन आ जाती है, कोई अड़चन बन जाता है हमारे जीवन में, कोई आगे बढ़ने नहीं देता, कोई आगे आकर के रुक जाता है, रुकावट डाल देता है। हर सीन अनेक बार रिपीट की है कि मुझे कुछ सिखाने के लिए आया, मुझे वाइज बनाने के लिए आया है ये सीन या ये व्यक्ति, ये हमें सीखने के लिए मिलता है। नथिंग न्यू की स्मृति से कभी भी हलचल में नहीं आ सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी हुआ था, 5000 साल पहले के साइकिल में जब मैं आत्मा इसी शरीर में थी, मैं आत्मा बिंदु इमॉर्टल इसी मॉर्टल शरीर में थी, तब भी यही सिचुएशन आई थी और मैंने हर 5000 साल बाद ये सिचुएशन करी थी पार, और मैंने चाहे धन की, तन की, मन की कोई भी प्रॉब्लम हो सबको सॉल्व किया था, आगे बढ़ी थी मैं आत्मा। सदा ही अचल अडोल रहेंगे जो इस तरीके से सोचेंगे। कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है, ये क्या, ऐसे होता है क्या, लेकिन नथिंग न्यू तो क्या क्यों का क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप आ जाता है। नथिंग न्यू अगर हम यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम आई तो नथिंग न्यू कर लेंगे सॉल्व, इसको पहले भी किया था कई बार, अनेक बार, अनगिनत बार मुझे आत्मा ने अनेक अनेक साइकिल में, 5000 वर्ष के चक्रों में अनेक अनेक बार इस व्यक्ति, इस वस्तु, इस प्रॉब्लम को मैंने फेस किया था अपने जीवन में, और मैं इससे उभर करके निकल आई थी आत्मा में, और निकल के आई थी, नहीं निकल रही हूँ, निकल चुकी हूँ, आई थी मतलब कि हमने फ्यूचर में डाल दिया कि कभी होगा ऐसे, निकल चुकी हूँ, फुल स्टॉप आ जाता है ऑटोमेटिकली। ऐसे हर दृश्य को देखते बिंदी लगाते चलो, बिंदी क्या लगानी है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं किया, ऐसे नहीं वैसे, ये चीज को छोड़ करके कैसे इसको ठीक कैसे करें, लोग को नहीं सिचुएशन को हम करने चलते हैं, लोगों को ठीक, जिसने प्रॉब्लम क्रिएट करी है उसको हम ठीक करने, उसके पीछे हम एनर्जी लगाते हैं, उसको पीछे पड़ जाते हैं उसके व्यक्ति के, और उसको कहते हैं तुमने ऐसे नहीं किया होता था, ऐसे होता, अरे उसको छोड़ो ना, आगे बढ़ो ना, सॉल्यूशन करो उस प्रॉब्लम का, ना कि उस आत्मा उस व्यक्ति को गिराते जाओ जिसके कारण ये प्रॉब्लम आई है और उसको ही ब्लेम करते जाओ, उसको भी हेल्प करो कि इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, देखो आज मैं आपको हेल्प करता हूँ, चलो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, करते हैं साथ में मिलकर के। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे हर दृश्य को देखते बिंदी लगाते चलो, तो हाय हाय में भी वाह वाह के गीत गाते रहेंगे। लेकिन ये बात सुनने की नहीं, सिर्फ जब सिचुएशन आए उसी समय ये पॉइंट याद, बस एक वर्ड याद आए, नथिंग न्यू, कोई प्रॉब्लम आई, नथिंग न्यू, कोई सिचुएशन आई, नथिंग न्यू, कोई सहयोग नहीं मिला, नथिंग न्यू, पैसा नहीं मिला, नथिंग न्यू, किसी ने धोखा कर दिया, नथिंग न्यू, ये वर्ड हमेशा याद रखें ताकि उस समय हम आत्मा की स्मृति, ज्ञान की स्मृति, परमात्मा की स्मृति में चल जाएं। भक्ति मार्ग में लोग मंत्र मांगते हैं कि गुरु जी मंत्र दे दीजिए, आज ये हमारे आप कहें सदगुरु या वाहेगुरु या सदगुरु जी ने, शिव बाबा जो सदगुरु हैं उन्होंने हमें नथिंग न्यू का मंत्र दिया है, कोई भी प्रॉब्लम है, नथिंग न्यू, कोई बड़ी बात नहीं है, लेट हो गए, नथिंग न्यू, टाइम पे नहीं है ये चीज़, नथिंग न्यू। और यही सब कुछ हम सीखते हैं और सिखाते हैं परमपिता परमात्मा हमें, ब्रह्मा कुमारी इसमें आप भी आकर के इस नथिंग न्यू के राज को और गहराई से समझिए। ओम शांति के साथ।